हेलो व्यूअर्स, हमारा एक सब्सक्राइबर भाई कमेंट करके बताया जो कि आसाम ग्रामीण विकास बैंक का एटीएम पिन जनरेट कैसे कर सकते हैं। सो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एजीबीबी बैंक का एटीएम पिन जनरेट कैसे कर सकते हैं सिर्फ दो मिनट के अंदर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उधर आसाम ग्रामीण विकास बैंक रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा, चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ते। सो फ्रेंड्स, एटीएम पिन जनरेट करने के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है, तो कैसे कैसे क्या करना होगा स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एटीएम कार्ड को लेके एटीएम मशीन में जाना होगा, उसके बाद एटीएम कार्ड को स्वाइप करना होगा, ठीक है। तो स्वाइप करने के बाद आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना बोलेगा, तो आपको जो भी लैंग्वेज आता है वही लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो इधर से हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आपका सामना ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, जनरेट पिन। तो सिंपली आप लोग जनरेट पिन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जनरेट ओटीपी एंड वैलिड ओटीपी। तो आप लोग सबसे ऊपर जो ऑप्शन है ना, जनरेट ओटीपी, तो सिंपली जनरेट ओटीपी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले में ऐसा लिखा देखने को मिल जाएगा, योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, ओटीपी इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज इंसर्ट द कार्ड टू वैलिड ओटीपी एंड सेट पिन। तो इधर बोल रहा है आपको अकाउंट से जो नंबर जुड़ा है हुआ है ना, मतलब आपको आपका अकाउंट से जो फोन नंबर लिंक है वही नंबर पर एक ओटीपी आया, वही ओटीपी का माध्यम से आपको एटीएम पिन को जनरेट करना पड़ेगा। तो फिर से आपको एटीएम कार्ड को स्वाइप करना पड़ेगा, स्वाइप करने के बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना बोलेगा, तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको वही ऑप्शन फॉलो करना होगा जो पहले किया था, जनरेट पिन। तो सिंपली आप लोग जनरेट पिन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपका सामना ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, जनरेट ओटीपी एंड वैलिड ओटीपी। तो पहले हम लोग जनरेट ओटीपी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया था, तो अभी हम लोगों को लेना होगा वैलिड ओटीपी, ठीक है। तो नीचे का जो ऑप्शन है ना, वैलिड ओटीपी, तो वही लेना होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका सामना ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, इंटर योर ओटीपी, तो आपका मोबाइल में जो ओटीपी आया ना वही नंबर इधर डालना होगा, ठीक है। तो इधर डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा, तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका सामना ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, प्लीज इंटर योर पिन। तो सिंपली आप लोग जो पिन रखना चाहता है ना, वही पिन इधर से इंटर कर देना होगा, ठीक है, इंटर करना होगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा, तो उसके बाद आपका सामना ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, प्लीज़ री इंटर योर पिन। तो अभी जो पिन इंटर किया ना, वही पिन इधर दोबारा सा कंफर्म करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करना होगा, तो उसके बाद डिस्प्ले में ऐसा लिखा देखने को मिल जाएगा, योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल, योर पिन जनरेट सक्सेसफुल प्रोसेस, थैंक यू। तो इधर बोल रहा है आपको जो पिन आप जो पिन जनरेट किया ना वो सक्सेसफुल हो गया, तो थोड़ी देर बाद आपको एटीएम पिन को फिर से चेक करना होगा। तो फिर से नहीं करना होगा तो चलेगा, आपका 24 घंटा के अंदर अंदर आपको एटीएम कार्ड को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको कुछ तकलीफ होगा तो जरूर हमारे साथ कॉन्टेक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उधर से फॉलो कर सकते हैं। द्वितीय ऑप्शन, आप ब्रांच में जाइए एटीएम कार्ड को लेके, ब्रांच में जाके उधर बोलिए सर को, तो उधर से भी आपको पासवर्ड दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग एटीएम पिन को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर ऐसे रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए।